बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की 16th वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम स्पीडोमीटर बनाएंगे। स्पीडोमीटर बनाने के लिए मैंने स्क्रिप्ट, जो कार की स्क्रिप्ट है, मेन कार कंट्रोलर, स्टैंडर्ड एसेट्स, व्हीकल्स, कार और फिर स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में दो चेंजेस किए हैं मैंने, चेंजेस नहीं किए, एडिशंस किए हैं। तो एडिशन ये हैं कि सबसे पहले दो वेरिएबल्स मैंने ऐड किए हैं, एक तो टेक्स्ट एलिमेंट ऐड किया टेक्स्ट और दूसरा पब्लिक टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और फिर एक फंक्शन ऐड किया पब्लिक वाइड गेट टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट को फेच करेगा और फिर अपडेट फंक्शन में टेक्स्ट जो है वो अपडेट होगा किसके साथ, करंट स्पीड टू स्प्रिंग वैल्यू और ये किलोमीटर पर आर उधर लिखा हुआ आ जाएगा उसके आगे। तो इस करंट स्पीड वेरिएबल जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल है यहाँ पे, जो कि करंट स्पीड के लिए यूज़ हुआ है। तो इस वेरिएबल को यूज़ करके हम अपने स्पीडोमीटर पर स्पीड ऑफ द कार बता सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट सेव करने के बाद हम यूआई पे पर एक नई इमेज ऐड करते हैं, क्लिक करते हैं यूआई एंड देन इमेज, और इसको रीनेम करते हैं स्पीड मीटर बैकग्राउंड, और एसेट्स में सरप्राइज में जाते हैं और यहाँ पे हमने एक इमेज ऑलरेडी ऐड की हुई है फॉर स्पीड मीटर, इसको ट्रैक ड्रॉप करते हैं यहाँ पे सोर्स इमेज में। तो अब आप देख सकते हैं यू आई पे हमारी एक इमेज ऐड हो चुकी है, और अब इस इमेज को हम लेफ्ट कॉर्नर पे ले आते हैं, लेफ्ट बॉटम में, और ये क्या कैनवस में ही रहनी चाहिए इसे, वैसे इसके ऊपर क्यों आ रहा है, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। ये तो कैनवस का एलिमेंट है, ओके, ये विजुअलाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो हम कैनवस को यहाँ से मूव कर लेते हैं, थोड़ा पीछे पीछे ले आते हैं। कैनवस मूव नहीं हो रही तो ट्रेन को पीछे लेके जाया जा सकता था, लेकिन लेट्स डन दी गेम और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस तरह से हुआ है। ओके, गेम व्यू में ये ठीक है, बस वो थोड़ा उधर प्रॉब्लम दे रहा है, तो नो प्रॉब्लम, हम उसको जो है थोड़ा इग्नोर करते हैं और यहाँ पे आके यूनिटी का प्रॉब्लम है, इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट बॉटम पे और इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, विड्थ जो है इसकी हम कर देते हैं 200x180 समथिंग, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यूँ, और फिर एक टेक्स्ट ऐड करते हैं हम, टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट टाइम ज़्यादा ले रहा है अभी मेरा सिस्टम, मेरे ख्याल से काफ़ी देर से आना है, तो इस वजह से टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं स्पीड मीटर। इसको हम जहाँ पे ले आएंगे इसके ऊपर, अपनी इमेज के ऊपर, और इसको कर देते हैं यहाँ पे 0, और इसका कलर जो है वो कर देते हैं वाइट, और फोल्ड करते हैं इसे, और इसका साइज़ करते हैं 24 36 36 इज़ फाइन आई थिंक। तो यहाँ पर रखते हैं इसे, और पहले हम इस पर अप्लाई करके देख लेते हैं, एक्चुअली मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो तब तक हम इसको लेकिन टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं रीस्टार्ट करूँगा। तो प्लेयर पे जाते हैं, मेन प्लेयर पे, तो कार कंट्रोलर में एक नई फील्ड ऐड हो चुकी होगी, होपफुली ये फील्ड आपको नज़र आ रही है न्यू टेक्स्ट की, और यहाँ पे हम अपने जो स्पीडोमीटर का टेक्स्ट हमने बनाया है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ले आते हैं इसको, स्पीड मीटर टेक्स्ट है ये, तो इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो रन करते हैं हम और देखते हैं कि अप्लाई हो चुका है
हमारा टेक्स्ट या नहीं। लेट्स सी। काम कर रहा है 0 किलोमीटर पर आवर, और लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट, ये जो बैकग्राउंड है हमारा, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं मेरे ख्याल से, या फिर टेक्स्ट साइज़ को छोटा किया जा सकता है। तो हम टेक्स्ट साइज़ को मेरे ख्याल से थोड़ा सा छोटा करते हैं, 24 कर लेते हैं इसे, और लेफ्ट साइड पर लेके जाते हैं थोड़ा नीचे। लेट्स प्ले द गेम, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। और तो अब हमें बैकग्राउंड इसका जो है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, और बैकग्राउंड की विड्थ जो है वो हम कर देते हैं 230। तो लेट्स सी। टू फिफ्टी तक शायद करनी पड़े, 250 या 260 कर लेते हैं। टू सिक्सटी थोड़ा सा कम है, 280। तो स्पीडोमीटर हमने बना लिया। इसके अलावा बस हम इस गेम को यहाँ तक एंड करते हैं अपने कोर्स को, और यहाँ पे यानी ये वाला जो एस्पेक्ट्स हैं गेम मॉडलिंग वगैरह के, और यहाँ पर मैंने सीन वन जो है इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं 2 दफ़ा मज़ीद। तो पहले मैंने ये डुप्लीकेट किए थे ट्रैक 1, 2 और 3, बट इनको अभी डिलीट कर देते हैं क्योंकि स्पीडोमीटर को फिर से ऐड करना पड़ेगा हमें। तो इससे बेहतर है कि हम तो इनको डिलीट करते हैं एक दफ़ा, और दोबारा से हम इस ट्रैक 1 को डुप्लीकेट करते हैं। तो बिल्ड सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से इन ट्रैक्स को डिलीट कर देते हैं, और इनको भी फिलहाल डिलीट करते हैं, और ट्रैक 1 को ओपन करते हैं। ओके, ट्रैक 1 ओपन है, तो इसको सेव सीन एज, और सीन्स में जाके सीन ट्रैक 2। इसके बाद हम इसी को सेव सीन एज ट्रैक 3, इसी तरह से सेव सीन एज ट्रैक 4। ठीक होगा, बिल्ड सेटिंग्स पे जाते हैं, ट्रैक 1 के बाद ट्रैक 2, फिर ट्रैक 3, ट्रैक 4, और फिर विनिंग स्टेज, फिर हमारे पास लूज स्टेज आ जाती है। तो दैट्स इट, ये हमने सीक्वेंस भी ऐड कर लिया और जो ट्रैक 1 था वो भी ऐड हो गया। अब हम जब अभी मैं ऑफलाइन ही काम करूँगा, साथ में वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन जब हम ट्रैक 2 पे जाते हैं तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूँ कि ट्रैक 2 को ओपन करते हैं तो सिमिलर सीन आ चुका है हमारे पास, सीन 1। तो इसमें देखें जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं, सिर्फ हमें चाहिए क्या, ये UI स्क्रीन चाहिए, और बाकी जो ये ट्रेन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपकी सिंपल टेम्पलेट के साथ ट्रेन भी आ चुकी है। तो अगर आप इसी ट्रेन पे एडिटिंग करते हैं तो ये फर्स्ट जो ट्रैक की ट्रेन है ये सिमिलर ट्रेन है एक्चुअली, तो उस पे ये चेंजेस अप्लाई होंगी। तो याद रखिएगा, जब भी आप इस तरह से डुप्लीकेट करते हैं नया सीन, तो आपको यहाँ पर ट्रेन वगैरह भी डिलीट करनी पड़ती है, और आप ट्रेन और ये रोड सिस्टम, और इसने हमें क्या चीज़ें चाहिए, रोड सिस्टम को डिलीट करना हमने, और ये डिलीट करनी है सारी चीज़ें, बाकी की सीन 2 ट्रेन ये भी डिलीट करनी है हमने, तो वे पॉइंट भी डिलीट करने हैं हमने, और रोड बाउंड्रीज भी डिलीट करनी है, दैट्स इट। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिमिलर रहेंगी। तो विंड जोन को भी हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये बेशक ऐड रहे, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो आप देखें आपके पास सिंपल क्या आया, एक ये कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको भी डिलीट करते हैं। और हमारे पास ये क्यूब आई फिनिश ट्रिगर विन,
और इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो बल्कि इसका हम एक प्रीफैब बना लेते हैं, एसेट्स में जाते हैं और यहाँ पे करते हैं क्रिएट फिनिश लाइन का नाम दे देते हैं इसको और यूं इनको सेलेक्ट करते हैं और इधर ले जाते हैं फिनिश ट्रिगर लूज जो है इसको डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल, और फिनिश लाइन जो है इसको हम प्रीफैब्स में ले जाते हैं और जहाँ एक न्यू प्रीफैब बना लेते हैं फिनिश लाइन के नाम से और अब इसको डिलीट कर देते हैं। दैट्स इट। तो अब हमारे पास सिंपल ये चीज़ें रह गई, यू आई और हमारी कार्स। तो जब अब हम सीन टू जो है वो जब डिज़ाइन करेंगे तो सीन टू के अंदर होगा क्या कि हमने पहले तो पिक चेक कर लेनी है कि सीन टू की पिक्चर जो है वो उसका क्या साइज़ है। तो डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं रीच थ्रिल और देखते हैं कि हमारी इमेज वहाँ पे मौजूद है, सीन्स इमेजेस, और सिर्फ एक सीन की इमेज है इधर। तो इमेज हमें लेनी पड़ेगी आई थिंक, यस, फॉर लेनी पड़ेगी रेफरेंस के लिए। तो दोबारा से हम इस स्टेज की दोबारा से इमेज लेंगे और इसकी ट्रेन बनाएंगे जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेज में किया था, और ये वाली चीज़ें सेम रहेंगी और ये मेन चीज़ें हैं, और मॉडलिंग हम कर देंगे सीन टू की और फिर इसी तरह से सीन थ्री, सीन फोर। तो ये सारी मॉडलिंग करने के बाद में नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा वो उसमें हम अपनी गेम को बिल्ड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।